नमस्कार, पिक्के भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आज हम आपको बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, बहाली के लिए दूसरे दिन भी ट्यूटर कैंपन। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, 3 मई को 10-11 बजे से ट्यूटर अभियान चलाया गया था, जिसमें सभी अभ्यर्थी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। क्या है आज के हिंदुस्तान पेपर में दिया गया है, 4 मई 2021, क्या है 94,000 शिक्षक की बहाली के संबंध में जानकारी। इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक शिक्षक बहाली को मांग को लेकर TET और CET उत्तीर्ण अनियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों ने दूसरे दिन सोमवार को भी ट्यूटर कैंपेन अभियान जारी रखा। कोरोना महामारी प्रोटोकॉल का पालन कर अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन ट्यूट कर शिक्षा विभाग से स्थगित प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को शुरू कराने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने ट्यूट कर कहा है कि वर्ष 2012 में प्रथम BTT व CET पास रहने के बाद भी विभाग के दोषपूर्ण बहाली प्रक्रिया के कारण पिछले करीब 9 वर्षों से बेरोजगारी का सामना करने को मजबूर है। ट्यूटर कैंपन के माध्यम से सूरज कुमार, राहुल कुमार गुप्ता, द्रवेश कुमार चौधरी, जुगेश कुमार, वेद प्रकाश कुमार, पुष्पम प्रिया चौधरी, शिवम बापेई और राजेश कुमार, अजय गुप्ता, राजेश राम, हंसराज, कृष्ण मुरारी झा, रोहन कुमार आदि अभ्यर्थियों ने अपनी अपनी समस्याओं का उल्लेख कर कहा कि हम अभ्यर्थी विभागीय प्रावधान के तहत महंगे शुल्क भुगतान कर प्रशिक्षण संस्थानों से शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कड़ी मेहनत व मेधा के बदौलत शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है, लेकिन समय से बहाली नहीं होने के कारण मानसिक प्रताड़ना का शिकार है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि विभाग द्वारा 9,000 से अधिक नियोजन इकाइयों में आवेदन कराने के बाद अब बहाली में अनावश्यक पेंच फंसा कर परेशान किया जा रहा है। केंद्रीयकृत व्यवस्था के तहत राज्य अथवा जिला स्तर पर आवेदन लेकर कोटिवार मेधा सूची तैयारी कर बहाली प्रक्रिया अपनाई जाती तो अब तक बहाली प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही BTET एवं CET पास अभ्यर्थियों का कल्याण हो गया होता। अभ्यर्थियों ने कहा है कि पिछले माह शिक्षा मंत्री द्वारा बताया गया कि राज्य के 1.25 लाख शिक्षकों की रुकी हुई प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए सरकार की ओर एक हस्तक्षेप याचिका कोर्ट में दाखिल की गई। याचिका पर 5 मई को सुनवाई होने की बात कही गई थी। शिक्षा मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया कि कोर्ट से जो भी शर्त लगाई जाएगी उसका सरकार द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बहाली प्रक्रिया को पूरी मुस्तैदी से संपन्न कराई जाएगी, लेकिन अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई। अभ्यर्थियों ने ट्वीट कर विभाग से जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। इस तरह से आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से निवेदन है कि लगातार ट्यूटर कैंपन को चलाते रहें ताकि यह जो सोई हुई सरकार है यह जग सके और यह शिक्षक बहाली जल्द से जल्द अपना अंतिम रूप को प्राप्त करे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।